हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल चौधरी फैमिली। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं मानक सिंह मंदिर, जो देहरादून में स्थित है और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। तो आज हम जाने वाले हैं मानक सिंह मंदिर। दोस्तों ये देखिए, दोस्तों आ चुका है मानक सिंह मंदिर। देहरादून में लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मानक सिद्ध व माणु सिद्ध मंदिर, ये चार सिद्ध हैं जहाँ कई हजारों साल पहले संतों ने कठोर तप किया था। इन चारों सिद्ध की विशेषता यह है कि यहाँ केवल गुड़ का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये चारों सिद्ध भीड़ भाड़ से दूर एकांत में स्थित हैं और ये जंगलों के बीचों बीच बिल्कुल शांत इलाके में है। दोस्तों देख सकते हैं आप, बिल्कुल शांत इलाके में है ये। और जो ये मानक सिद्ध मंदिर है, यह मंदिर शिमला बाईपास स्थित बड़ोवाला क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ भी संत ने तपस्या की थी और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है। देखिए दोस्तों, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो घंटियाँ लगाई गई हैं। देहरादून को उत्तराखंड की राजधानी कहते हैं दोस्तों, और यहाँ पर घूमने के लिए मंदिर स्थल और कुछ पिकनिक स्थल भी हैं। यहाँ पर लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और विदेशों से भी यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, क्योंकि यह बहुत ही बढ़िया जगह है और यहाँ पर मौसम बहुत ही अच्छा रहता है। तो मंदिर से जाने से पहले हाथ पैर धोए जाते हैं। ये देखिए नलका लगा रखा है और बिल्कुल साफ पानी है, और इधर हाथ पैर धोए जाते हैं। और बोर्ड में भी लगा रखा है कि कृपया आपस से उचित दूरी बनाए रखें। देखिए दोस्तों, और यहाँ पर लोग सर्दियों में आना पसंद करते हैं। बाकी आप सब घूमने यहाँ कभी भी आ सकते हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छे देखने को मिलता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मानक सिंह मंदिर के बारे में। तो आओ जानते हैं इसके बारे में कुछ पौराणिक कथा क्या है। तो दोस्तों बात करते हैं पौराणिक कथा की। अनुसुईया का पुत्र दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उनके 84 शिष्य ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया था। मानव कल्याण के लिए चले गए और उनमें से दत्तात्रेय एक शिष्य मानक सिद्ध थे। मानक सिद्ध जी ने यहाँ पर भगवान शिव जी की उपासना की थी और फिर उन्हें यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन हुए थे। उन्हें यहाँ पर मानक सिद्ध पीठ के नाम से जाना जाता है। मानक सिद्ध में और भी भगवान जी की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। यहाँ पर बहुत से सारे त्रिशूल भी हैं और धुनी भी हैं, जो कि तृतीय युग से जलती हुई आ रही हैं और जो पूरे दिन जलती रहती हैं। दोस्तों ये देखिए दोस्त, इतने सारे मंदिर हैं यहाँ पे। और इसकी ये भी मान्यता है दोस्तों, यहाँ इस मंदिर में जो भी मन्नत मांगने आते हैं, जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वह यहाँ पर भंडारे का आयोजन कराते हैं, और साल में सोमवती अमावास को यहाँ पर बहुत ही बड़ा भंडारा आयोजित किया जाता है। यहाँ पर उस वक्त लगभग 10,000 लोग भोजन करते हैं। यह सारा काम समिति की देखरेख में ही किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे त्रिशूल लगाए गए हैं, ये त्रिशूल भी इधर लगाए जाते हैं। चुन्नियाँ जिनकी मन्नत जो मांगने आते हैं, यहाँ पे त्रिशूल के ऊपर चुनिया लगाते हैं। और इसकी मान्यता ये भी है कि दोस्तों, कि जो भी यहाँ पे आता है और मन्नत मांगता है वो ज़रूर पूरी होती है, और पूरी होने के बाद यहाँ पर वह भंडारा भी करते हैं कि जब मन्नत पूरी हो जाती है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि चार सिद्ध मंदिर हैं, जिसमें एक लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणु सिद्ध और मानक सिद्ध। इधर गुड़ का प्रसाद ही चढ़ाया जाता है और मानक सिद्ध में भी गुड़ का प्रसाद प्रमुख है। इस मंदिर में ज़्यादातर गुड़ का ही प्रसाद और भोग
चढ़ाया जाता है। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, यहाँ पर आकर मन को शांति मिलती है। और आप देखेंगे ये जंगलों के बीचों बीच में बनाया गया है, ये मंदिर स्थापित किया गया है। पर आजकल कोरोना की वजह से ये काफ़ी खाली है, अदरवाइज यहाँ पे बहुत ही भीड़ होती है। और हफ्ते में एक बार तो भंडारा का आयोजन किया ही जाता है, जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। ये शिव मंदिर है, शिव मंदिर यहाँ पे। और ये मेरी बेबी प्रियांशी, तो मानक शिव मंदिर बहुत ही चर्चित और देहरादून में स्थित बड़ोवाला में है, और जो बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच में है, जहाँ पर बहुत ही शांति और बहुत ही ज़्यादा पेड़, घना और बिल्कुल शांत इलाका है। ये मंदिर वहाँ पर स्थित है। ये देखिए, ये शिव शंकर जी का मूर्ति है, शिवलिंग है, यहाँ पे पूजा की जाती है, यहाँ पे हमने पूजा भी की। दोस्तों अगर आप देहरादून आते हो तो एक बार जरूर मानस सिंह मंदिर जरूर आए, और आपकी अगर कुछ भी मनोकामना है तो वो जरूर पूरी होगी अगर आप इस मंदिर में आते हैं और चुन्नी बांधकर जाते हैं, और आपकी मन्नत अगर पूरी हो जाती है तो आपको फिर आना पड़ेगा और चुन्नी खोलनी पड़ेगी, और यहाँ पे आपको भंडारा भी करवाना पड़ेगा। वो अपनी मन की शांति के लिए है कि हाँ हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई है तो हम यहाँ पे भंडारा कराएंगे। शिव जी का हम पूजा कर रहे हैं, शिव जी की। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शांत मंदिर है। आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है कोरोना की वजह से, तो आप यहाँ पे अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बिल्कुल शांत है, बिल्कुल भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। ये यहाँ पे पंडित जी भी बैठे हुए थे तीन, तो हमने सोचा कि अपनी बेबी को आशीर्वाद दिलवाएं। और ये मेरी बेबी फर्स्ट टाइम आ रही है मंदिर, क्योंकि कोरोना की वजह से हम कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो पूरे एक साल बाद, लगभग 11 महीने बाद मेरी बेबी आ रही है मंदिर, और उसका फर्स्ट टाइम है मंदिर में दर्शन। तो जब कोरोना थोड़ा कम हो गया है तो हमने सोचा कि अपनी बेबी को फर्स्ट टाइम हम मंदिर ले जाएं, तो ये मंदिर में लेके आए। और देखिए आप, ये कितना घना जंगल, पेड़ ही पेड़, और उधर ये समाधि स्थित है आनंद जी महाराज की, जो यहाँ के पहले महाराज थे, तो उनकी मूर्ति स्थापित की गई है यहाँ पे। और बिल्कुल घने जंगलों, देखिए आप, बिल्कुल शांत इलाका, बिल्कुल घने जंगलों के बीच आनंदमय। और ये हमारी बेबी प्रियांशी पूजा करते हुए। जय। अब यहाँ से हम दोस्तों अब निकलते हैं, लगभग हमें 1 घंटा पूरा हो चुका है यहाँ पे, हमने पूरे दर्शन कर चुके हैं हम, अब हमारी निकलने की तैयारी है। ये फैली पंचनाग नारायण जी की मूर्ति, ये पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, डाटकाली का अंदर का मंदिर का मैंने पूरा कवर किया है। ये देखिए बिल्कुल साफ क्लीन, और भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये यहाँ पे त्रिशूल लगाए गए हैं, उनके ऊपर चुन्नी है, ये माता जी बजरंग बली जी का मंदिर। भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है, और सफाई बिल्कुल क्लीन है, हर जगह साफ देख सकते हैं। ये और जने भी आ रखे हैं यहाँ पे थोड़े बहुत, और इस पेड़ में भी चुन्नी बांधी जाती है, जिनकी मनोकामना
लेकर आते हैं इस मंदिर में कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो इस तरह चुन्नी बांधी जाती है। एक तो त्रिशूल के ऊपर भी बांधी जाती है, अगर वहाँ पे भर चुका है तो यहाँ पे भी बांधी जाती है। तो हमारी बेबी जो प्रियांशी है उन्होंने चुन्नी बांधी है, ये देखिए अपनी मम्मी के साथ, कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो ये चुन्नी बांधते हुए कि हमारे मानक चीज मंदिर जी मंदिर में आए हैं तो हमें हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पे आके बहुत ही मन शांत होता है और आनंद आता है, क्योंकि बिल्कुल शांत इलाके में है, कोई शोर शराबा बिल्कुल नहीं, शहर के बिल्कुल कोने में जहाँ पे सिर्फ जंगल, ये देखे बिल्कुल नज़ारा देखे, बिल्कुल पेड़ ही पेड़, बिल्कुल शांत इलाका, बहुत ही उमदा। ये दोस्तों ये मंदिर के बैक साइड का नजारा है, देखिए कितना प्यारा है, जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़, शांत इलाका, बहुत ही प्यारा वातावरण। ये भी एक मंदिर है छोटा सा, उसी कोने में मंदिर की घंटियां जो बिल्कुल बाहर लगाई गई हैं। तो दोस्तों अब हम बाहर निकलने वाले हैं, लगभग हमने पूरा का पूरा मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, अब हम निकलते हैं। ये अब हम निकल चुके हैं माणिक सिंह मंदिर से। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाते समय और एडिट करते समय बहुत मेहनत ही लगती है दोस्तों। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।